अब देखिए हम लोग एपी के एन पदों का योगफल निकाल लेते हैं, इसको एसएन से दिखाते हैं, जैसे को बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन पदों का योगफल। यानी अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि 2, 4, 8 और भी 10, 12, 14 या एक एपी है समांतर श्रेणी है, तो इन सबको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 इन सबको जोड़ने पर क्या आया, वो रिजल्ट क्या हो। तो अगर आप जोड़े 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 12, 42 और 14 कितना आ जाएगा, 56। तो 56 आपका रिजल्ट है। तो किसी एपी में जितने पद हैं उनका योगफल क्या होगा, उनका एडिशन, उनका रिजल्ट जोड़कर क्या आया, ये निकालने का हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। वो सूत्र क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हम लोग एक मानते हैं, माना कि a, a2, a3, ...... an एक समांतर श्रेणी है जिसका सार अंतर क्या हम लोगों के पास d है। मतलब ये कि अगर a2 में से a घटाएंगे तो d आएगा, a3 में से a2 घटाएंगे तो d आएगा, किसी भी इसमें से दो क्रमागत को लेंगे, लगातार लेंगे और घटाएंगे तो क्या आएगा, d। तब प्रथम पद a1 को a1 से दिखाते हैं और है कितना a, दूसरे पद a2 को आप लिख सकते हो प्रथम पद a और दूसरा कॉमन डिफरेंस d, तीसरे पद को आप लिख सकते हो a+2d। इसी प्रकार सोचिए कि आप nवें पद को क्या लिख सकते हैं, an बराबर a+n-1 into d। अब आपको इन सभी पदों का योगफल निकालना था, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 ऐसे करते करते an तक, तो हम लोगों ने क्या किया sn, n पदों का योगफल सम योग बराबर a1 plus a2 प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए, जितना सारा टर्म होगा उसको लिख देंगे। अब एस एन बराबर ए वन की जगह पर ए प्लस ए टू ए प्लस डी, ये क्या है दूसरा पद, ए थ्री ए प्लस टू डी, ये क्या है तीसरा पद, ऐसे ही सबके लिए करते जाएंगे तो लास्ट में होगा ए एन। थोड़ा यहां पर सोचना है कि ए एन से जो जस्ट पहले वाला टर्म होगा वो ए एन माइनस डी होगा। आप इस एग्जांपल में देखें, अगर इसको अंतिम पद माने, इसको अगर ए एन बोले तो इसको अगर आप चाहें तो इसमें से डी घटाकर निकाल सकते हैं। सोचिए ए एन 14 है माइनस डी होता है सार्वंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर कितना आएगा 2, तो आप इसमें से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा 12। अगर आप इसमें से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा पहला वाला, यानी अंतिम पद में से अगर सार्व अंतर को घटा लिया जाए तो ए एन माइनस डी ये वाला जो पद होगा अंतिम वाले से ठीक पहले होगा, फिर ए एन माइनस टू डी अगर है तो वो उससे पहले होगा, तो इसके पहले कौन सा टर्म आएगा ए एन माइनस डी, उसके पहले कौन आएगा तो ए एन माइनस टू डी आएगा। तो ये सभी पदों का योगफल हो गया। एक बार एस एन बराबर इसको हम लोग जो इन्होंने यहां से अधिक लिखा हुआ इसको बिल्कुल हम लोग उल्टा कर देते हैं, बदल देते हैं, ए एन यहां था हम लोगों ने यहां लिखा प्लस ए एन माइनस डी यहां लिखा प्लस ए एन माइनस टू डी यहां लिखा प्लस डॉट 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 ए प्लस टू डी ए प्लस डी फिर लास्ट में ए, ये उलट गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण एक और इसको दो, हम लोग करते क्या है इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो एस एन और एस एन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2SN। अब यहां ध्यान से देखिए कि ए और ए एन इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो ए प्लस एन आएगा, फिर यहां इन दोनों को जोड़िएगा तो प्लस डी और माइनस डी कट जाएगा, ए प्लस ए एन आएगा, फिर 2D प्लस 2D माइनस कट जाएगा, A प्लस AN आएगा, फिर 2D प्लस 2D माइनस कट जाएगा, AN प्लस A आएगा। यानी पहले पद के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, इसमें जितना टर्म था सबके लिए क्या आएगा A प्लस AN। तो जितना आएगा N टर्म है तो N वाला ऐसा आएगा तो N से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारा रिजल्ट मिल जाएगा, यानी 2SN बराबर N into A प्लस AN। अर्थात इसी को आगे बढ़ाए तो SN बराबर N और दो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में N by 2
ए प्लस ए एन, ए एन क्या था एपी का अंतिम पद, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू इन टू ए प्लस एल, इसको लास्ट टर्म कहते हैं, एल से दिखा सकते हैं, या एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस अंतिम पद एल दिखाइए एन बोलिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये कौन सा हो गया यहां से यहां तक इनवा पद लास्ट टर्म, तो एस एन बराबर एन बाई टू इन टू ए और ए ऐड करिएगा तो टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया और ये भी एक फॉर्मूला आ गया। इन दोनों सूत्र की सहायता से आप किसी भी एपी के एन पदों का योगफल निकाल सकते हैं, जहां एन क्या है पदों की संख्या, ए क्या है प्रथम पद, डी तो आपको पता है सार्व अंतर, और एसएन क्या है, तो एसएन आप देख रहे हैं एपी के इन पदों का युगफल, और बाकी बात एल तो लिख रहे यहां पे जो एल है अंतिम पद, क्या है अंतिम पद, इसको चाहे तो हम लोग एन से भी दिखा सकते हैं अंतिम पद को एल या